अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम यहाँ इनकलाब के लिए आए हैं, दानिश अली के शो के लिए आए हैं। हमारी पुलिस हमें मार रही है, लोग यहाँ पे हमें गुदगुदियाँ करा रहे हैं। हम इनकलाब कैसे लाएंगे अगर लोग हमारी गुदगुदी कराएं? आपको पता है एरोजोना ग्रिल का बर्गर अब 600 रुपए का हो गया, ये कहाँ की इंसाफी है? अगर एरोजोना ग्रिल अपने प्राइसेस कम नहीं करेगा तो इनकलाब कैसे आएगा? ये देखो ये मीडिया वाले को दिखाएं, दो केचप देते हैं एरोजोना ग्रिल वाले। अगर सिर्फ दो केचप देंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? ये क्या है, इसके साथ मैं क्या करूं? इनकलाब लाऊंगा इसके साथ, टमाटर भी नहीं होगा पूरा। आप मीडिया वाले, आप बताएं, कोक स्टूडियो सीजन 3 इतना बेकार क्यों था? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ ना, ख़राब था ना? हमारे घर में भी औरतें होती हैं, इसका ये तो नहीं मतलब कि मीशा शफी को कम दिखाओ। हम अच्छे फैमिली के लोग हैं भाई, जब हम इंग्लिश मूवी देखते हैं हमारे हाथ में भी रिमोट होता है। जैसे ही गंदी सीन आती है हम स्किप बटन दबाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं मेरे भाई, स्किप बटन, पूरा सीन ही गायब, पता ही नहीं चल रहा मूवी में क्या हो रहा। बाद में रिवाइंड करना होता है, जब तक वो पता है मूवी में हो क्या रहा है, स्किप दबाने से पूरा सीन ही बदल। दानिश अली का नया शो आने वाला है भाई, आप लोग सब जाके देखें, अपने बच्चों को साथ लाएं, ऐश करें। मैकडॉनल्ड्स वाले आप स्पॉन्सर तो करो ना, हार्डीज वाले आप भी सोचें। एक तो किसने बोला हार्डीज नाजमाबाद में खोलो, पेंडू, अगला ब्रांच कहाँ खोलोगे? कीनिया में? आउटर स्पेस खोलोगे? मैं क्या रॉकेट शिप पे जाऊँ वहाँ तक? ये देखिए मेरे भाई, ये गर्मी में खराब हो गए।